So the topic for today's discussion is chi-square test. Okay, it is represented by this sign. Okay, and it is given by K. Pearson. What are the important applications? Test for association, test for proportion, okay, for goodness of fit. It is an alternative test to find the significance of difference in two or more than two proportion. ठीक है, हम ये एग्जाम्पल देखेंगे काई स्क्वायर का, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा. वट इज द एग्जाम्पल? टू फाइंड आउट द गिवन एफिशिएंसी ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. ये ड्रग है और हमें देखना है कि क्या ये ड्रग किसी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए एफिशिएंट है कि नहीं. ठीक है, तो हम दो ग्रुप सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, टोटल सैंपल 100 है, दो ग्रुप्स हमने सिलेक्ट किए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम वो ड्रग देंगे और कंट्रोल ग्रुप को हम प्लेसिबो दे देंगे. ठीक है, यानी एक तरीके से निल इफेक्ट. ठीक है, तो हमने हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू गिवन है O1, O2, O3, O4. तो सबसे पहले जिस कंट्रोल ग्रुप को हमने प्लेसिबो दिया है उसमें से 10 इंडिविजुअल ऐसे ऑब्जर्व्ड है कि वो उनकी डेथ हो चुकी है, 25 सर्वाइव्ड हो चुके हैं. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 5 इंडिविजुअल ऐसे थे जिनकी डेथ हो चुकी है और जो सर्वाइव थे वो थे 60. ठीक है, और ये उनका टोटल, इसे हम हॉरिजॉन्टल टोटल कहेंगे और इसे हम वर्टिकल टोटल कहेंगे. ओके, और ये ग्रैंड टोटल यानी नंबर ऑफ सैंपल्स. फाइन, लेकिन ये जो क्वेश्चन में गिवन है ये ऑब्जर्व वैल्यूज है, हमें कैलकुलेट करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यूज. E1, E2, E3, E4, हर एक ग्रुप के लिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप काई स्क्वायर का फॉर्मूला देखें तो इट इज समेशन ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड. ठीक है, तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करना जरूरी होता है. एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखिए, वर्टिकल टोटल इंटू हॉरिजॉन्टल टोटल अपॉन टोटल सैंपल. ये जो क्वेश्चन है उसमें टोटल सैंपल है 100. ओके, तो हम एक एक करके अब E1, E2, E3 और E4 कैलकुलेट करेंगे. फाइन, ठीक है. सो सबसे पहले हम यहां E1 कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया है, वर्टिकल टोटल इंटू हॉरिजॉन्टल टोटल अपॉन सैंपल टोटल. सो E1 का हॉरिजॉन्टल टोटल क्या आ रहा है? 35. C35, मैंने ये कलर्ड भी मार्क कर दी है ताकि आपको जल्दी स्ट्राइक हो. वर्टिकल टोटल इसका आ रहा है 15. सो 15 इंटू 35 अपॉन 100, वैल्यू आती है 5.25. और E1 क्या है? इट इज द एक्सपेक्टेड नंबर डाइड इन दी, तो एक्सपेक्टेड नंबर डाइड इन दी कंट्रोल ग्रुप. उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सर्वाइव्ड इन दी कंट्रोल ग्रुप. ओके, सो E2 भी वो सेम लेना है हमने, वर्टिकल टोटल 85 इंटू हॉरिजॉन्टल टोटल 35 अपॉन 100, ऐसे करके हमारी वैल्यूज 29.75 आती है. ठीक है, इसी मेथड के जरिए हम E3 क्या है? इट इज दी एक्सपेक्टेड डाइड इन दी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड E4 इज दी एक्सपेक्टेड सर्वाइवल इन दी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करके हम इनकी भी पर्टिकुलर वैल्यूज निकाल लेते हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज आई है अब हम इसे यहां लिख लेंगे 5.25. ठीक है, सो हमारे पास E1, E2, E3, E4 और O1, O2, O3, O4 सबकी वैल्यूज आ चुकी है. ठीक है, तो जो फॉर्मूला है काई स्क्वायर का उसके अकॉर्डिंग इट इज द समेशन ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड. समेशन का मतलब पता है क्या है? कि हमें हर एक के लिए, ठीक है, हर एक के लिए जो है काय को कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद वो सारे ऐड करने पड़ेंगे. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है? सी देखिए, E1 का एग्जांपल मैं आपको देती हूं, वैसे ही हम चारों कैलकुलेट कर देंगे. तो ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड. ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है यहाँ पे? 10. एक्सपेक्टेड 5.25 है ना, तो 10 माइनस, ओके, 5.25 का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, एक्सपेक्टेड 5.25.
अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर, तो हमारी वैल्यू करीबन आती है 4.2976। तो आपने देखा ना कि कैसे मैंने ये वैल्यूज इसमें पुट की। सेम हमने ऑब्जर्व टू और एक्सपेक्टेड टू की वैल्यूज भी पुट करनी है, जिसके बाद हमारी वैल्यू आती है 0.7584। ओके, सो लाइक दिस, जब हम ये एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो हम चारों के लिए काय निकाल लेंगे, 4.2976, 0.7584, 2.3140 एंड 0.4083। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये सारी ही वैल्यूज का समेशन, देख सकते हैं आप यहाँ समेशन साइन है, मतलब हमें चारों वैल्यूज एड ऑन कर लेनी है, तो हमारा वैल्यू आता है 7.7783। ओके, अब इससे पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला जाता है बाय दी कॉलम माइनस वन एंड रो माइनस वन, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कॉलम और रो दोनों ही दो है, ठीक है, एक दो एक दो, ठीक है। सो इट इज 2-1 एंड 2-1, ठीक है, कॉलम माइनस वन रो माइनस वन, 1 × 1, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा आता है। फिर काय के टेबल्स गिवन होते हैं, ठीक है, तो वैसे यूजुअली एग्जाम में आपको डायरेक्टली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, टेबल्स यूजुअली आजकल नहीं देते हैं, बट अगर टेबल गिवन है तो हम लोग काय स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे अंडर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.05। अंडर प्रोबेबिलिटी 0.05 क्यों? क्योंकि इसमें 5% एरर होता है जो कि कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। इट इज, हाँ, तो टेबल की वैल्यू है 3.841, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू 7.7783, वो बहुत ज्यादा है टेबल की वैल्यू से। एज द कैलकुलेटेड वैल्यू इज हायर, वी कंसिडर दैट द डिफरेंस इन द मोर्टैलिटी इज सिग्निफिकेंट एंड ड्रग इज एफिशिएंट। मतलब जो इंडिविजुअल डाई हुए थे, ठीक है, यानी मोर्टैलिटी सिग्निफिकेंट है और ड्रग देने से एक्चुअली फायदा हुआ है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, यानी इनमें डेथ कम देखी गई है। ओके, सो ये ड्रग जो है वो एफिशियंट है, फाइन, सो द ड्रग इज एफिशियंट। सो ऐसे हमने देखा, तो ये जो एग्जाम्पल था एक्चुअली सिर्फ 2 रोज 2 कॉलम्स के लिए था, बट इससे ज्यादा भी प्रपोर्शन हो सकते हैं गिवन एग्जाम्पल में, फाइन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।